हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और हमारे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे कीवर्ड बताने वाला हूँ और लगभग 4 कीवर्ड मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच करिए और मैं कुछ स्ट्रेटजी भी बताऊँगा जिस कीवर्ड पर आप उस पर काम कर सकते हैं, जो कीवर्ड मैं भी बताऊँगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट किए हैं उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमेंट करना बिल्कुल आप ना भूलें। कमेंट करते रहेंगे तो मुझे आइडिया लगता रहेगा कि किस तरह की आपकी वेबसाइट को कीवर्ड चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह का मैं रिसर्च करता हूँ। रिसर्च करते वक्त क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, काफ़ी दिनों से कई कई लोग कमेंट करते हैं तो लोग मतलब कि बोर हो जाते हैं कमेंट करते हैं कि नहीं मिलेगा मुझे कीवर्ड, ठीक है। ऐसा 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 लगता है, मुझे मुझे खुद महसूस होता है कि आप लोग 4-5 बार कमेंट करते हैं तो मुझे अजीब सा लगता है, ठीक है। मतलब एक अच्छा नहीं लगता है कि 5 बार आपने कमेंट किया और आपको मैंने कीवर्ड नहीं बताया, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रीज़न क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स। जब मैं कीवर्ड रिसर्च करता हूँ तो क्या होता है, और लगभग कीवर्ड रिसर्च करने मुझे कई घंटों लग जाते हैं, 2 घंटा 3 घंटा करने के बाद तब जाके अच्छे कीवर्ड निकलते हैं ना। तो क्या होता है कि जब मैं रिसर्च करता हूँ उस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आपने कमेंट किया है, तो उससे रिलेटेड क्या होता है कि कहीं 1,000 वॉल्यूम होता है, कहीं 2,000 वॉल्यूम होता है, ठीक है। और जो कीवर्ड मैं बताना चाहता हूँ, जिस पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग काम करें या मैं काम करता हूँ, ठीक है, तो कम से कम जो सर्च वॉल्यूम हो 10,000 का हो सर्च वॉल्यूम, है ना। अब इस कीवर्ड पे 10,000 का सर्च वॉल्यूम से डेरिवेटिव ऑफ कॉट है, ठीक है, ये मैथ का फार्मूला वाला। और इस पे क्या है कि, और मैं चाहता हूँ कि जिस कीवर्ड पे काम करें उस पे आपकी पोस्ट जो है रैंक हो, है ना। लोग गलत वे में काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग ब्लॉगर जो है, सबसे पहले मैं भी यही से ही स्टार्ट किया था, blogspot.com से फ्री वाला जो था उस पे वेबसाइट बनाया था, उस पे काम किया था, कुछ नहीं हुआ, 10-20 ट्रैफिक आता था उससे, कुछ नहीं हुआ, 6-7 महीने निकले। मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ इस तरह की आप गलती ना करें, ठीक है। अगर आप अभी से कर रहे हैं तो आप रोक दीजिए, अपना समय मत बर्बाद कीजिए, ठीक है। तो क्या होता है, कीवर्ड जो रिसर्च करता हूँ वो उस वे में नहीं मिल पाता है, ठीक है, इसीलिए कीवर्ड को मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है। तो मैं दूसरे कमेंट को उठाता हूँ, अदर कमेंट को उठाता हूँ, तो उनके कमेंट का रिलेटेड अगर कीवर्ड रिसर्च करता हूँ, अगर मिल गया मुझे 10,000 के ऊपर अगर सर्च वाले मिल जाता है तो मैं वो कीवर्ड बता देता हूँ, ठीक है। कई कई बार आप लोग का लगता होगा कि 10 बार मैंने कमेंट किया अभी तक कीवर्ड नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसका थोड़ा पेशेंस रखिए, मुझे जैसे कीवर्ड मिलता है मैं आपको तुरंत बता दूंगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, आप चैनल के साथ बने रहें और कमेंट करते रहें। तो थैंक आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो ये जो हमारा डेरिवेटिव ऑफ कॉट है, अभी मैं इसका फार्मूला बताता हूँ कि ये है तो क्या है, ठीक है। इसे इस तरह की वेबसाइट को कैसे हम मतलब कि अपने वेबसाइट में कैसे इसे यूज़ करते हैं, अभी यहाँ पर आप जाके इस कीवर्ड को एनालाइज करेंगे अपनी वेबसाइटों को, काफ़ी अच्छा अच्छा ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है। 5 लाख का ट्रैफिक, 10 लाख का, मतलब 5 लाख लगभग लगभग 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख का ऐसे ऐसे ट्रैफिक है, 1 लाख 1 लाख का ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे ऐसे ट्रैफिक जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 लाख का ट्रैफिक समझ सकते हैं, अगर 1 लाख का ट्रैफिक है तो आराम से $400-500 बन जाता है, ठीक है, मतलब $100 तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो इस तरह क्या, सिर्फ फार्मूले वाले आपको क्या करना है, आपको पेंट खोल लेना है। यहाँ से मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आपको क्या करना है, पेंट खोल लेना, ठीक है। पेंट ओपन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप फार्मूला लिखिए, ठीक है, जिससे रिलेटेड मैंने कीवर्ड बताया, यहाँ पर फार्मूला लिखिए, उसका इमेज बनाइए और इमेज में पूरा अच्छे से लिख दिया, या तो फोटोशॉप चलाते हैं तो वहाँ से और आसानी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इमेज का SEO जरूर कीजिए, है ना, जब इमेज आप सेव करेंगे तो इमेज का SEO जरूर करें, और यही फार्मूला जो है इसे एक्सप्लेन कर दें अपने आप ब्लॉग मतलब कि लिख के, ठीक है, लिख के एक्सप्लेन करें कि हाँ इस तरह के फार्मूला है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब क्वेश्चन आंसर कह दें, वहाँ पर इस फार्मूले पे इस तरह के क्वेश्चन का ऐसे आंसर निकलता है, ठीक है, इस फार्मूले का इम्प्लीमेंट करके, है ना। तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है, और सारी चीज़ें तो मैं नहीं बता सकता, पर जहाँ तक मुझे पॉसिबल होता है इस वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो सब SEO का पार्ट होता है तो वो मैं इसमें नहीं मिक्स करना चाहता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो फार्मूले वाले, ये जो भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डेरिवेटिव ऑफ कोट का ये जो फार्मूला है, इसको क्या करना, फार्मूला लिखना है आपको, फार्मूला लिखने बाद इसके बाद अपने जो आपको लिखना है आर्टिकल में, इससे रिलेटेड आपको करना क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखने के बाद इस फार्मूले का अप्लाई करके उसका आंसर कैसे निकलता है वो लिखना है आपको, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और जो आपको ट्रैफिक मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, 99% का ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, तो चांसेस है 100% रैंक होने का, ठीक है, आप रैंक करा सकते हैं अच्छा खासा आप,
ठीक है। और इसी से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ, यह काफ़ी अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। मैं आपको दूसरा कीवर्ड बताऊँ, ये भी डेरिवेटिव ऑफ आर्केटेन है। अब ये भी एक फार्मूला होता है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको, माय डियर फ्रेंड्स, मैं वही भी राइट वे बता रहा हूँ। राइट वे में काम करेंगे तो जल्दी सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। अब राइट वे में काम नहीं करेंगे तो फिर आपका वही होगा जो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो मैं आपको ऐसे पहले ही बता देता हूँ कि राइट वे में हमेशा काम करने की कोशिश करें, छोटे लेवल से करें, पर राइट वे में काम करेंगे तो सक्सेस मिल जाती है, तो उससे हमको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, ये आप ध्यान रखें। ये भी वही फार्मूला आर्किटेक्ट वाला, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ आर्किटेक्ट, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ है, 100% का ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, मार्डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और $2 का CPC है, $2.5 का CPC, यहाँ पर $8 का CPC है ना। तो आप समझ सकते हैं 50% का अगर आपको ट्रैफिक मिल रहा है, आपको थोड़ी बहुत अगर रिसीव आती है, 50% का ट्रैफिक आप ला सकते हैं। इतना तो आपको नॉलेज हो ही गया होगा कि 50% ट्रैफिक तो मैं ला ही सकता हूँ, है ना। 32K का सर्च वाले में जो टारगेट हमारा, जो कीवर्ड है, ये सब USA का टारगेट कीवर्ड है, ठीक है। ये USA का 32K का सर्च वॉल्यूम जो है USA का, उसके बाद अदर कंट्री से ट्रैफिक मिले या ना मिले वो हमारे वो अलग बात है, ठीक है। वो एडिशनल चीज़ें हो जाती हैं कि अदर कंट्री से ट्रैफिक हमको मिलता है ना। जिस कंट्री को टारगेट करते हैं उस कंट्री में ये सर्च किया जाता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद जो हमारी रिलेटेड कंट्री होती है, यहाँ पर जो रिलेटेड कंट्री दिखा रहा है यही कंट्री में यही सेम कीवर्ड सर्च किया रहा है, पर इस कंट्री में क्या होगा, इस कीवर्ड का डिफिकल्टी ज़्यादा होगा तो हमको ट्रैफिक मिलने का चांसेस कम होंगे, है ना। तो ये चीज़ें होता है, ये चरप से मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत धक्के खा के तब जाके ये सब चीज़ें सीखा। तो वही चीज़ें मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि आप राइट वे में हमेशा काम करें, माइट पर छोटा छोटा काम करेंगे राइट वे में तो फिर भी आप छोटे छोटे में सक्सेसफुल होते जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा, तो बड़े लेवल पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कीवर्ड रहा। अब मैं आपको तीसरा कीवर्ड बताता हूँ, यहाँ पर लिमिट कंपेरिजन टेस्ट क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ। लिमिट कंपेरिजन टेस्ट होता है, ये भी एक फार्मूला ही है ना। मैं आपको बताता, ये फार्मूले वाली वेबसाइट बहुत अच्छी है और मैंने यहाँ पर रिसर्च किया था, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए, काफ़ी अच्छी ये लिमिट वाला होता है, एक फार्मूला होता है, ठीक है। लिमिट द लिमिट कंपेरिजन टेस्ट यहाँ पर बताया गया। आपको क्या करना है, जो भी फार्मूला लिखे हैं अपनी वेबसाइट में, है ना, यहाँ पर ये लिमिट कंपेरिजन टेस्ट का, यहाँ पर देखें 0 डिफिकल्टी है, $3 का CPC है, 23K का सर्च वॉल्यूम है, जो 19K का टारगेट कंट्री हमारा USA है, उसके बाद ये ग्लोबल सर्च वॉल्यूम अलग है, ठीक है। 19K का जो हमारा ट्रैफिक मिलेगा, हमारे इसी कीवर्ड के टारगेट USA से ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है। फिर अदर कंट्रीज हमको ये होती है ट्रैफिक जो हमारा यहाँ पर दिखाता है, ठीक है, वो अलग से हमको मिलता है, ठीक है। उसमें से हमको 50% में अगर 100, यहाँ पर 600 ट्रैफिक है तुर्की, तो क्या होगा यहाँ पर से 300, 200, 100 मिल सकता है ना। पर हमारा जो ज़्यादा ट्रैफिक मिलने का चांसेस है कहाँ से, USA से। तो इस बात को आप ध्यान में जरूर रखें। और यहाँ पर देखेंगे 100% का ट्रैफिक और $3 का CPC है। इस तरह की चीज़ें YouTube पे नहीं बताई जाती हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए ये चैनल बनाया गया है कीवर्ड रिसर्च किंग के लिए, ठीक है। इसका नाम है, जी सर, जैसा नाम हो वैसा काम मैं करके देने की कोशिश करता हूँ हर वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को पसंद आ रहा है। अभी क्या है कि इन जीरो क्या होता है, ठीक है, ये भी एक फार्मूला है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक तो करते नहीं हैं, फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग अपना प्यार देते हैं वही बहुत है। तो ये भी क्या है कि ये भी फार्मूला, अभी जीरो ये इन्फिनाइट वाला क्या हो तो फार्मूला होता है, यहाँ पर बताया गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, अभी मैं ऑल पे करता हूँ, यहाँ पर रैपिड टेबल एक वेबसाइट है, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैंने जाके रीड किया है, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये बहुत अच्छा, ये अलजेब्रा का फार्मूला है, अलजेब्रा में आता है ये सब फार्मूला जीरो वाला, ठीक है। अब यहाँ पर बताया कि न्यूट्रल एल्गोरिथम क्या होता है, ये सब बहुत अच्छे से बताया इन्होंने, ठीक है। अगर आपको आइडिया नहीं लगता है तो आप जाके यहाँ पर आप वॉच कर सकते हैं, इन सारी वेबसाइटों को वॉच कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर वॉच कर सकते हैं, यूट्यूब के वीडियो भी वॉच कर सकते हैं, यहाँ पर बताया गया, ठीक है। यहाँ तो एक ही दो वीडियो बता रहा हूँ मैं, आप यहाँ पर मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या है कि आपको चीज़ें जो है, मैं एच को हटा देता हूँ और ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ, ये वो है ना कि इन जीरो का होता है क्वेश्चन मार्क क्या होता है, इन्फिनाइट कर रहे हैं, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर लोगों ने बता रखा है बहुत अच्छे से, है ना, यहाँ पर बता रखा है, यहाँ पर बता, तो आप वीडियो का भी हेल्प ले सकते हैं यूट्यूब का, तो आपके काफ़ी अच्छी है आपकी जो कि पकड़ हो जाएगी लिखने का, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं कीवर्ड बताता हूँ, आप जाके गूगल पर सर्च करें, वहाँ पर जो पोस्ट लिखा उसे एनालाइज करें, ठीक है। एनालाइज करने के बाद यूट्यूब पर वीडियो जाए, वही कीवर्ड को सर्च करके आप देखें कि यूट्यूब का वीडियो कोई है तो वहाँ जाकर उसे वॉच करें, थोड़ा समय दे कीवर्ड पर, उसके बाद आर्टिकल लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। जब कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगे तो लिखने में थोड़ा आसान हो जाता है, माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है।
और ये रहे आज के कीवर्ड माय फ्रेंड्स। ये पहला हमारा ये $8 का CPC वाला कीवर्ड था, ये $2.50 का CPC वाला था, ये $3 का और ये $2 का। और मुझे उम्मीद है आप लोग को पसंद आ गए सारे चार कीवर्ड मैंने आपको बताएं। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, अगर आप कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या आपको अमेज़न अफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको कीवर्ड चाहिए, अपनी आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसके लिए अगर आपको कीवर्ड चाहिए कि किस नीश पे मैं वेबसाइट बनाऊं, ठीक है, किस नीश पे मैं ब्लॉगिंग माइक्रो नीश वाली कौन से कीवर्ड है जिसमें अपने ब्लॉग वेबसाइट को सक्सेसफुल बना सकता हूँ, विद इन 3 मंथ के अंदर आप 100-100 दिन के अंदर अपनी ब्लॉग वेबसाइट को सक्सेसफुल बना सकते हैं अगर आपको राइट वे में कीवर्ड आपको मिल जाए, है ना। और अगर आपको ब्लॉगिंग के लिए कीवर्ड चाहिए या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कीवर्ड चाहिए या कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये मेरा मेल आईडी है abhishekkumargautam9616@gmail.com पे, और मुझे मेल कर सकते हैं। और इसका जो समथिंग प्राइस है लगभग 5000 का प्राइस है, ठीक, उसे आप पे करके ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं और ले सकते हैं कोर्स को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।